हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अगस्त कुमार दुबे, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। आज जिस क्लास के विषय में चर्चा होनी है, जिस विषय पर आज की हमारी यह क्लास चर्चा के लिए शामिल है, उस विषय का शीर्षक है रमेश चंद दत्त की आर्थिक सिद्धांत या रमेश चंद दत्त का आर्थिक सिद्धांत। रमेश चंद दत्त भारतीय आर्थिक विद्वानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कुछ एक विद्वान ही हैं जिनके बारे में एक ऐसी धारणा है कि वो अंग्रेजों की विचारधारा को भी उतने ही सकारात्मक दृष्टि से जाने जाते थे और भारतीय विचारधारा में भी उनका सकारात्मक भूमिका थी। साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी जिनका सक्रिय भूमिका रही है, ऐसे विद्वानों में रमेश चंद दत्ता का भी नाम अग्रणी श्रेणी में आता है। आज इन्हीं विद्वानों की चर्चा आपके साथ होनी है। आज इसी एक विद्वत प्रतिभा के बारे में आज की क्लासेस की चर्चा है। रमेश चंद दत्ता मूलतः ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे, ऐसे परिवार से इनका संबंध था जिनका संबंध अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था से भी था और साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय योगदान में आपकी भूमिका बहुत ही प्रमुख थी। तो छात्रों, ऐसे विद्वत प्रतिभा के, ऐसे विद्वत विचारधारा के धनी विचारक की आर्थिक सिद्धांत भारत के बारे में जो इन्होंने जो सक्रियता के रूप में जो भारतीय आर्थिक सुधार में जो सिद्धांत अपनाए, उसकी चर्चा आज की क्लासेस के साथ हम कर रहे हैं। उनकी चर्चाओं से जुड़ा हुआ आज का यह अध्ययन आपके सामने। आइए इस क्लासेस को शुरू करते हैं जिसमें हमें चर्चा में शामिल करना है रमेश चंद दत्त के आर्थिक सिद्धांत के बारे में, रमेश चंद दत्ता जी के आर्थिक सिद्धांत से संबंधित अध्ययन के बारे में। रमेश चंद दत्ता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करने से पहले इनके प्रारंभिक जीवन पर थोड़ा सा परिचय कर लिया जाए। प्रारंभिक जीवन से ऐसे छात्रों हैं कि रमेश चंद दत्ता जिस विचारधारा से बिलोंग करते थे, जिस सिद्धांत से बिलोंग करते थे, उस सिद्धांत में उनके जन्म और जन्म के समय का भी बहुत बहुत योगदान है। क्योंकि ब्रिटेन के उस शासन काल में जब वो प्रखर पर था, उस समय जब ब्रिटेन अपने शासन की पराकाष्ठा पर था, उस समय रमेश चंद दत्ता जी का युवा अवस्था थी। उन्होंने भारतीय राजनैतिक और प्रशासकीय कार्यों में भी प्रमुख योगदान दिया है। आपकी प्रशासकीय कुशलता भी उतनी ही प्रमुख है जितना प्रमुख आपकी शैक्षणिक कुशलता है। आपके जीवन को कई भागों में अध्ययन किया जा सकता है। इसी कारण इस चर्चा में हम छात्रों पहले इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। रमेश चंद दत्ता जी का जन्म 13 अगस्त 1848 को कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में हुआ था, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। आप ब्रिटिश कालीन भारत के एक संपन्न और शिक्षित कायस्थ परिवार के की संतान थे। आपके परिवार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई दशकों तक व्यापारिक संबंध थे और उस संबंध से आपके परिवार ने काफी संपत्ति का भी अर्जन किया था। आपके पिताजी का नाम ईसम चंद्र दत्ता था, माता जी का नाम छकमती देवी था। पिताजी बंगाल के डिप्टी कलेक्टर थे। एक दुर्घटना में पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद आपका लालन पालन आपके चाचा शशिचंद्र जी के नेतृत्व में किया गया। इन्होंने वर्ष 1864 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अपनी उच्च शिक्षा पूरा करने के बाद अपने मित्र के साथ आप 1868 में ICS की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां पर आपने 1869 में ICS की परीक्षा में पूरे सीरीज में तीसरा स्थान प्राप्त किया। मतलब आप टॉप श्रेणी के छात्रों में से एक थे। उस दौरान ICS की एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपका प्रशासकीय जीवन प्रारंभ होता है। उस समय जिसे हम आज के समय में IAS का एग्जाम कहते हैं, उस समय ICS के एग्जाम के रूप में उसी एग्जाम को चलाया जाता था, जिसका पूरा नाम इंडियन सिविल सर्विसेज था। सिविल इकाइयों में कार्य करने के लिए जो सबसे उत्कृष्ट एजुकेशन परीक्षा थी, वो आपने तृतीय श्रेणी से पास किया था, तृतीय स्थान पर पास किया था। ICS के एग्जाम को पास करने के बाद आप 1971 में भारत चले आए। आप 3 साल तक भारत वर्ष इंग्लैंड में रहे। इस कारण आपने इस 3 वर्षों के लिए इंग्लैंड के प्रवास के विषय में एक अपनी पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का शीर्षक है 3 Years in England। भारत आने के बाद आपने अनेक प्रशासकीय पदों का कार्यभार संभाला।
1871 में अलीपुर के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर आपका नियुक्ति किया गया। इसके अतिरिक्त आपने प्रशासकीय पदों का विकार किया है और उड़ीसा के कमिश्नर और पॉलिटिकल एजेंट, बड़ौदा के दीवान, ब्रिटिश कालीन रॉयल कमीशन के सदस्य इत्यादि रूप में कई अपनी उपयोगिता को, अपने भूमिका को आपने सफलतापूर्वक संचालन किया है। 1882 तक बंगाल के विभाजन के विभिन्न जिलों में प्रशासकीय कार्य आप देखते रहे हैं। 1893 में वर्धमान के जिले के जिला मजिस्ट्रेट आप नियुक्त किए गए। इसके बाद 1894 में आपको उड़ीसा का डिविजनल कमिश्नर नियुक्त किया गया। 1897 में आपने आईसीएस सेवा से अवकाश ग्रहण कर लिया। तो ये आपका 1871 से लेकर के 1897 तक का करीब 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 26 सालों का एक कुशल और बहुत ही सराहनीय प्रशासकीय कार्यकाल रहा। 19वीं सदी के इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले भारत के आप एकमात्र भारतीय थे जो सबसे पहले अंग्रेज के शासन काल में, वो भी तब जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासकों के ऊपर या भारतीय प्रतिभाओं के ऊपर विश्वास करना ही कम कर दिया था, कहीं ना कहीं हर पदों पर ब्रिटिश की नियुक्ति हो रही थी। ऐसी अवस्था में भी आप अंग्रेज के शासन काल में आप विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर, आप विभिन्न ऐसे पदों पर जिस पदों पर समानता अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जाती थी, उस पदों पर भी आपने प्रमुख रूप से अपना योगदान दिया। ऐसे प्रतिभावान भारतीयों की श्रेणी में सबसे पहला नाम आपका आता है। इस दौरान आपने वर्ष 1897 में से लेकर के 1904 तक, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ आईसीएस सर्विसेज, आपने लंदन विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के प्रोफेसर के रूप में अपना अध्यापन कार्य भी संपादन किया। एक प्रोफेसर के रूप में भी आप नियुक्त हुए। यहाँ से आपके अकादमी शिक्षा का, शैक्षणिक व्यक्तित्व का, शैक्षणिक क्षमता का या शैक्षणिक जीवन का आपका उद्भव होता है, का प्रारंभ होता है। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अवकाश ग्रहण करने के बाद वर्ष 1904 तक आप यूरोप में अपना समय व्यतीत करते रहे। आपका निधन 1909 में बड़ौदा के, गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में हुआ। तो ये आपके इस लीला का समाप्तिकरण है। यहाँ आपके ये एक संक्षिप्त परिचय था जो आपके जीवनी से जुड़ा हुआ। अब आपने जो भारतीय आर्थिक विचारधारा के रूप में अपना व्यक्तित्व दिया है, उस व्यक्तित्व को अगर देखा जाए तो ब्रिटिश का शासन काल के दौरान तमाम ब्रिटिश के पदों पर नियुक्त होते हुए भी, तमाम ब्रिटिश कालीन प्रशासकीय पदों पर नियुक्त होते हुए भी, जिसका आपको बहुत ही कुशलतम अध्ययन था, जिसका आपको बहुत ही कुशलतम अनुभव था, उसके बावजूद भी आपने ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों की पूरी पूरी आलोचना की। आप जहां एक तरफ कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते थे, वहीं आपकी लेखनी ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों को जनमानस के सामने स्पष्ट कर रही थी, जनमानस के सामने इस रूप में व्यक्त कर रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का किस तरीके से कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए आपके रचनाओं को ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों के आलोचक के रूप में चर्चा किया जाता है। आइए आपकी रचनाओं को, जो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था की आलोचना के रूप में चर्चा का विषय है, उस पर एक नजर डालते हैं। अपने गहन अनुसंधान और विश्लेषण से इन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश शासनकाल न केवल भारतीय भौतिक स्थिति को सुधारने में विफल रहा है, बल्कि उस काल में भारत के परंपरागत उद्योगों का ह्रास भी हुआ है। आप इस बारे में लगातार लिखते रहे हैं कि ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था पर शासक के रूप में, भूमिका के रूप में भूमिका भले अदा कर रहे हैं, वो भले इस बात का स्पष्ट चित्रण करते हैं कि वो भारत में प्रशासकीय कुशलता के लिए जाने जाते हैं, भारतीय प्रशासन को वो कुशल रूप से स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, जबकि वास्तव में उनके द्वारा किया जा रहा प्रयास भारतीय उद्योगों को हानि पहुंचा रहा था, भारतीय परंपरागत उद्योगों को हानि पहुंचा रहा था। इस रूप में आपकी ख्याति स्पष्ट रही है। ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत के हस्तशिल्प और दस्तकारी उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई थी। उसकी भरपाई के लिए औद्योगिक उत्पादन की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ये एक प्रमुख कारण था भारत के उद्योगों को विनष्ट होने का। इसीलिए आपने कहा था कि न कि भारतीय उद्योगों को ही किसी भी तरह का अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, और ना ही इन मजदूरों को के लिए किसी रिहैबिलिटेशन की कोई योजना बनाई गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि इन उद्योगों में लगे हुए मजदूर परंपरागत अर्थव्यवस्था में, अर्थात खेती की तरफ निर्भर होने के लिए मजबूर हो गए, जो भारत के ग्रामीकरण या जिसको देहातीकरण कहते हैं, इसके कारणों में प्रमुख था। एक चलन उस समय था कि लोग कहते थे कि अंग्रेज भारत में
रेल का आविष्कार कर रहे हैं जिससे देश का विकास हो रहा है, इसकी भी आपने पूरी पूरी आलोचना की थी। आपका कहना था कि ब्रिटिश उपनिवेश में कथित रचनात्मक कदमों में से भी भारत का कोई लाभ नहीं हो रहा है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए रेल परिवहन के कारण हमारे पारंपरिक परिवहन सेवाएं भी बंद हो गई हैं, जो हम पारंपरिक तरीके से रेल सेवाओं को संचालित करते थे, जिससे हमारे सामान्य नागरिकों को रोजगार मिलता था। वह सेवाएं भी मूलतः रेलवे के संचालन के द्वारा बंद हो गई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। और इसके आवागमन से, ट्रेनों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं ब्रिटिश कारखानों में माल ढुलाई के लिए रास्ता मिल रहा है, तो यह फायदा भारतीयों को होने के बजाय यह फायदा वास्तव में अंग्रेजों को हो रहा है। वे कहते थे, आपका कहना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित नहीं है, बल्कि इसका विकास अंग्रेजों की तमाम योजनाओं के द्वारा अवरुद्ध कर दिया जा रहा है। वास्तव में भारत के आर्थिक विकास की गति अच्छी है, भारत में विकास की संभावना है, लेकिन अंग्रेजों ने इस संभावना को कहीं ना कहीं मलिन कर दिया है, कहीं ना कहीं संभावना को अंग्रेजों ने कुंठित कर दिया है, तो इस कारण भारतीय आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक आपकी विचारधारा थी, जो आपके अंग्रेजों के विचारधारा के आलोचक के रूप में, एक भूमिका के रूप में जानी जाती है। अब अगर तथ्य के रूप में देखा जाए तो आप जो भारत उस समय, क्योंकि भारत के उद्योगों का विनष्टीकरण हो रहा था, उस विनष्टीकरण के कारण किसानों की संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती चली जा रही थी। इसके लिए भारतीय किसानों के प्रति आपने चिंतन स्पष्ट किया है, और उस चिंतन को इस रूप में देखा जा सकता है। आपकी पहली पुस्तक 1900 में आई, जो भारत में पढ़ने वाले अकालों का अध्ययन करने वाली फेमिन्स एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया नाम से प्रकाशित की गई, जिसकी सराहना रूसी अराजकतावादी दार्शनिक प्रिंस क्रोपाटकिन ने भी की थी। इनकी इस कृति से जाहिर होता है कि वे भारतीय किसान की जीवन स्थिति से कितने दिलचस्प रखते थे। आपका आर्थिक चिंतन किसी तरह से इनकी स्थिति को सुधारने पर केंद्रित था। आप किसी भी प्रकार से, किसी भी रणनीति से, किसी भी स्तर पर जाकर के भारतीय किसानों की स्थिति के सुधारने के प्रति गहन चिंतनशील दिखे आपकी उस रचना के अंतर्गत। आपने सवाल उठाया था कि 1858 के बाद से 40 साल की अवधि में भारत की जनता को 10 भीषण अकालों का सामना क्यों करना पड़ा, जबकि इस दौरान हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय सामग्री के हाथ में थी। मतलब इस समय जो ईस्ट इंडिया थी, वो ईस्ट इंडिया के शासन की जो दौर है वो रानी के हाथों में थी, ब्रिटेन की रानी के हाथों में थी, और उस दौरान भी भारतवर्ष में अकाल, भीषण अकाल का सामना क्यों करना पड़ा। साम्राज्ञी या रानी का कार्य था देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना और भीषण अकालों से देश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, जबकि उसके दौरान भी इस पर कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अंग्रेज सरकार को आईना दिखाते हुए इन्होंने प्रदर्शित किया कि अकाल के बावजूद ऐसा कोई वर्ष नहीं था जब सारी फसलें चौपट हो गई हों। हर साल अकाल पड़ा, लेकिन फिर भी एक प्रचुर मात्रा में उत्पादकता प्राप्त हुई। सरकारी गोदामों में अनाज हमेशा भरा रहा, खेती का विस्तार हुआ, खेतिहर उपज की कीमतों में भी वृद्धि हुई। इसके बाद भी किसानों की हालत लगातार खराब। अब अगर अकाल के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था की दुर्गति होनी थी, तो भारत में इस दौरान सरकारी अनाज, सरकारी भंडारण के खाली हो जाने चाहिए थे, खेती की उत्पादकता घटनी चाहिए थी, साथ ही साथ फसलों के दाम घटने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब एक तरफ लाभ प्रदान कर रहा था, लेकिन इस लाभ का जो वास्तविक अंशधारक था किसान, उसकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। इसके लिए रमेश चंद्र दत्ता ने ब्रिटेन की मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया ये अंग्रेजों के कुशासन और किसानों के प्रति इनकी चिंता का एक आईना देखने को मिलता है। अब आपके सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। रमेश चंद्र दत्ता ने इस विचारधारा को लेते हुए जो सिद्धांत प्रतिपादित करने की बात की है, रमेश चंद्र दत्ता अंग्रेजी और बंगला भाषा के जाने माने प्रशासक, आर्थिक इतिहासज्ञ और लेखक थे। वे धन के निष्कासन या बहिर्गमन के सिद्धांत के प्रवर्तक थे और महाशिक्षा शास्त्री थे। धन के निष्कासन या बहिर्गमन का सिद्धांत ये वही सिद्धांत है जिसकी चर्चा इसके पहले हो चुकी है। इसके पहले के सिद्धांत में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसी सिद्धांत के रूप में ये विचारक, उसी सिद्धांत के रूप में इनकी भी चर्चाएं होती है, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के रूप में इनकी चर्चा होती है। दादा भाई नेहरूजी के द्वारा जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था, वही सिद्धांत आगे रमेश चंद्र दत्ता के द्वारा भी करीब करीब उसी कलेवर में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके अतिरिक्त आपने रामायण और महाभारत का भी अनुवाद किया था, ये आपके व्यक्तित्व के
शैक्षणिक या एकेडमिक एकेडमिक एक्सलेंसी को दिखाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधाओं में से एक रमेश चंद्र दत्ता के आदि सिद्धांतों का इतिहास में प्रमुख स्थान है। दादा भाई नेहरू जी और मेजर बी डी बसु के साथ ये ब्रिटिश शासन के तीसरे आर्थिक चिंतक थे, जिन्होंने औपनिवेशिक शासक के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के हुए नुकसान के प्रमाणित विवरण पेश किए और विख्यात ड्रेन थ्योरी, जिसको आप कह सकते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि इसका इस सिद्धांत का मतलब यह है कि अंग्रेज अपने धन के लिए निरंतर निर्यात थोपने और अनावश्यक अधिभार वसूलने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को निचोड़ रहे। 1899 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी रचनाओं में भारत, ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास, विक्टोरिया युग में भारत और प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास आदि शामिल है। इन्होंने अनेक उच्च प्रशासकीय पदों पर कार्य किया, जैसा कि पहले चर्चा में शामिल किया जा चुका है, लेकिन इनकी ख्याति मौलिक लेखक और इतिहास वेत्ता के रूप में ही अधिक है। इन्होंने अपने 3 वर्षों के अंग्रेज की इंग्लैंड में प्रवास के दौरान एक पुस्तक लिखी थी, 3 Years in England, वो काफी प्रसिद्ध रही, वो आपके कृतित्व में सबसे उत्कृष्ट कृतित्व की चर्चा में शामिल थे। इसलिए वह काम और कंपनी के प्रबंधन के लिए इंग्लैंड भी गए थे। इन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए भारत की दुर्बलता कम करने की बहुत कोशिश की, जहां ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों पर कठोर अत्याचार किए जा रहे थे। 1866 में इन्होंने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ब्रिटेन में भारतीयों की शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच भी बनाया गया था और इसे आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएशन की शाखाएं भी भारत के विभिन्न हिस्सों में विस्तारित की गई स्थापित की गई थी। इस कार्य में भी भारतीयों की आवाज को बढ़ाने में भी आपका योगदान बहुत ही प्रमुख था। अब चूंकि मूल चर्चा होती है इनकी रचनाओं के बारे में, आप रचनाओं के बड़े धनी थे, आप एक तरफ प्रशासकीय रूप के लिए जाने जाते थे तो दूसरी तरफ आपकी रचनाएं जो हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रकाश डाल रही थी, भारतीय मानसिकता पर प्रकाश डाल रही थी। उस मानसिकता के तहत आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी प्रमुख रचनाएं, उनकी भी जिक्र, उनकी भी चर्चा होती है। आपकी प्रमुख रचनाओं में आर्थिक इतिहासकार के अलावा आप प्रतिभाशाली कुशल सांस्कृतिक इतिहासकार भी थे। इन्होंने बंगीय साहित्य परिषद के स्थापना संस्थापक अध्यक्ष रहने के साथ साथ महाभारत और रामायण के अंग्रेजी के संक्षिप्त अनुवाद भी किया था। प्रारंभ में आरसी दत्त ने अंग्रेजी भाषा में भारतीय संस्कृत और इतिहास पर स्तरीय ग्रंथों की रचना की। बाद में बंकिम चटर्जी के प्रभाव में आने के बाद अपनी मातृभाषा बंगला में रचनाएं करने लगे। इनके 4 प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार, वंग विजेता जो 1874 में प्रकाशित किया गया था, माधवी कंगड़ जो 1877 में प्रकाशित हुआ, महाराज जीवन प्रभा जो 1874 में प्रकाशित हुआ, राजपूत जीवन संध्या जो 1879 में प्रकाशित हुआ प्रमुख है। इसके अलावा कुछ विद्वान इनके ऐतिहासिक उपन्यासकार से अधिक महत्व दो सामाजिक उपन्यासकार संसार और 1800 जिसकी का प्रकाशन 1886 में और समाज जिसका प्रकाशन 1894 में हुआ है, वो इनके ऐतिहासिक उपन्यासकारों में सबसे टॉप पर माने जाते हैं। ग्राम जीवन का चित्रण इन उपन्यासकारों से प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखित अन्य बहुत सारी रचनाएं हैं, उन रचनाओं का एक ग्लिम्स आपके सामने कुछ मात्र है। ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया जो 3 खंडों में प्रकाशित है, ये आपकी ऐतिहासिक भूमिका, ऐतिहासिक अध्ययन का एक जीता जागता उदाहरण है। लेटर हिंदू सिविलाइजेशन, बाद में हिंदू की सभ्यताओं के बारे में, हिंदू सभ्यताओं के बारे में जो आपका अध्ययन है, वो भी एक प्रखर और कह सकते हैं वेल नोन ऐतिहासिक साहित्य के रूप में चर्चा की जाती है। आर्थिक विचारधारा में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी आपकी बहुत ही बहुचर्चित किताब है। इंडिया इन द विक्टोरियन एज, ये भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर अंग्रेजी प्रभाव को स्पष्ट करती है। अंग्रेजी शासन प्रणाली की आलोचनात्मक व्याख्याओं में ये किताब अपनी एक्सलेंस पर थी। हिस्ट्री ऑफ द लिटरल ऑफ बंगाल, लिटरेचर ऑफ बंगाल, ये साहित्यिक लेखन में साहित्यिक विचारधारा के रूप में आपकी एक्सलेंसी को स्पष्ट करती है। द महाभारत एंड द रामायण, ये आपकी संस्कृति के प्रति, आपके धर्म के प्रति के लगाव को और उसको उसके बारे में आपके अपने विचार क्या थे, ये ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत एंड रामायण के रूप में थी। लेज ऑफ एंशियंट इंडिया, ये भी आपके उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में स्पष्ट करने वाली किताबों में से एक थी। ग्रेट एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया, भारतीय साहित्य के बारे में ये एक रचना थी जो भारत के तमाम एपिक्स के बारे में आपकी विचारधारा को स्पष्ट करता है। शिवाजी, अंग्रेजी और बंगला दोनों में लिखा गया था। उस समय शिवाजी के
शासन काल की व्याख्या आप ऐतिहासिक रूप में इस पुस्तक में आपने प्रस्तुत की है। लेक ऑफ पाम्स के रूप में भी आपने भारतीय किसानों के ऊपर जो उस समय की स्थिति उसके बारे में चर्चा की है। द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा एक एक रचनाकार के रूप में आपने, एक व्यंगकार के रूप में आपने रचना को शामिल किया है। थ्री इयर्स इन इंग्लैंड आपने इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान अपने अनुभवों को और वहां पर भारतीयों की स्थिति से संबंधित व्याख्या को आपने इस पुस्तक में किया है। द प्रेजेंट्री ऑफ बंगाल, बंगाल के वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था के बारे में आपने इस पुस्तक में लिखा है। ऋग्वेदा ये आपके धार्मिक विचारधारा थी जो ऋग्वेद का बंगला में अनुवाद के रूप में आपने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा इंग्लैंड एंड इंडिया, पूरी इंग्लैंड की प्रणाली और भारतीय प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन आपने प्रस्तुत किया था। केवल इतनी ही नहीं, इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी रचनाएं थी जिस रचनाओं के द्वारा आपके आपके एकेडमिक और आपके आर्थिक सिद्धांतों का एक जिक्र मिलता है। तो ये था छात्रों रमेशचंद दत्ता जी का एक सूक्ष्म परिचय, जिस परिचय में हम लोगों ने आज चर्चा किया उनके छोटे मोटे आर्थिक और सामाजिक अनुभव को, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को। अगली क्लास कक्षा में छात्रों इनके और सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या के रूप में, आर्थिक चिंतन के रूप में जो इनका आर्थिक चिंतन था उसके बारे में हमारी अध्याय का विषय होगा, जो हमारे इसी सीरीज का दूसरा भाग होगा। आई होप ये क्लासेस आपको समझ में आई होंगी और ये इस क्लासेस में हम आपको रमेश चंद जी दत्ता जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताने में सफल रहे होंगे। आज की क्लासेस के लिए छात्रों धन्यवाद। इतना ही, ये क्लास जरूर आपको एंजॉय हो रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। जैसा भी हो आप अपना कमेंट इस चैनल को जरूर दें और साथ ही साथ इसे और लोगों तक पहुंचाने की